विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, पीरपैंती बाराहाट ईसीपुर जिला भागलपुर के संस्थापक के रूप में डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी के आज निवास स्थान पर आए हुए हैं, जो कि हम सुनेंगे जानेंगे कहाँ है इनका घर, जो पुराना घर पर देख सकते हैं। ये बाहर का सीन है, आपको ये दिखा रहे हैं, ये बाहर का ग्राउंड है। इस बागवानी के पास इनका जो है चारों तरफ जंगल है, जंगल का इतना अच्छा वातावरण है। तो हम डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी से बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आज इस लॉकडाउन में क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मुकेश जी, सबसे पहले यह कि मैं अपने परिचय में क्या बताऊं। सबसे बड़ी बात है कि 1960 में मैंने ईसीपुर हायर सेकेंडरी स्कूल मल्टीपर्पस में योगदान किया और उसके बाद फिर आगरा पीएचडी के लिए गया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मेरी नियुक्ति कोयम्बटूर में हुई, लेकिन मैंने संजोग ऐसा रहा कि उस समय 1965 में चल रहा था हिंदी और हिंदी भाषियों का आंदोलन, और वह आंदोलन हिंसक रूप ले लिया था। इसलिए मैंने उसे रिजाइन करके अपने रीजनल डायरेक्टर मुदालियार साहब को चेन्नई में सौंप करके वापस आया और फिर ईसीपुर मल्टीपर्पस स्कूल में ज्वाइन किया। इस तरह मेरा प्रारंभिक यह जीवन रहा। और मेरे पूर्वज जो हैं, मेरी आदि बलिया जिले से आई और उसने भागलपुर जिले के लालू कृष्ण मौजा में थोड़ी सी जमीन खरीद करके यहीं पर वह आकर बस गई, और उनके साथ साथ उनके बेटे लोग भी आए और यहाँ रह गए और वहीं अब तक मेरा निवास स्थान है। वैसे कौन गांव है सर? लालू की था मौजा, थाना नंबर 181 है, कहलगांव क्षेत्र का। और अब अभी वर्तमान में इसे ग्राम पंचायत ने इसे मंजूरी दी है और इसे कुशवाहा नगर के नाम से जानते हैं। ये तो मेरी प्रारंभिक जानकारी हुई। और जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, भारत सरकार ने उचित कदम उठाया कि समय पर इसे इस लॉकडाउन को लागू किया और इससे बहुत लाभ हुआ है, बहुत फायदे हुए हैं। और इससे क्या हुआ है कि हमारे जो कोरोना जो अंतर्राष्ट्रीय रूप ले चुका है महामारी का, तो यह बहुत हद तक अपने कब्जे में कर लिया है भारत सरकार ने और वहाँ की लोकप्रिय जनता ने। और इस तरह से मेरा लोगों से अनुरोध है कि आप लॉकडाउन में बताए गए नियमों का अनुपालन करें, घर से ना निकलें, हाथ साफ रखें, मुँह हाथ छुए, और उसी तरह से जो भी नियम है उसका अनुपालन करें, ताकि हमें सफलता मिलेगी और हम इसमें सफल होंगे, विजय प्राप्त करेंगे। लॉकडाउन में अनुपालन करने से, नियमों का अनुपालन करने से हम कोरोना को हराने में सफल होंगे। मेरा संदेश है कि आप नियमों का अवश्य पालन करें। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में बहुत सारे लोगों ने खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का अनुपालन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे लॉकडाउन का बताए गए नियमों का अनुपालन करें और तभी हमारी सरकार भी सफल होगी और उससे जो सहायता मिलेगी भारत सरकार को और हम सफल इसमें होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप हमारे बताए गए नियमों का तो अनुपालन करें ही, साथ ही हमारे जो सेनानी हैं, खास करके डॉक्टर हैं या उससे जुड़े हुए और लोग हैं जो सेवा में रहते हैं, अपने घर वालों को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके, तो उनकी हिफाजत करें हम, और उन्हें
उचित सम्मान दें और किसी भी तरह की कोताही इसमें नहीं होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप सम्मान उन्हें बहुत बहुत अच्छी तरह से दें और जिससे कि हमें उनके प्रति भावना अच्छी बनी रहे। धन्यवाद। उम्र सर आपका लगभग कितना हो चुका है? उम्र हम अभी तो 24 अप्रैल को मैं 88 में प्रवेश किया, 88 मेरी उम्र चल रही है। तो अभी सुन रहे थे हमारे डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी, जिनको अंगिका का भीष्म पिता भी कहते हैं, मिथिला हिंदी विद्यापीठ के संस्थापक के रूप में इन्हें जानते हैं। अलग अलग संस्था में इनको अलग अलग रूप में लोग जानते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम इस आज इनकी सर की तबीयत को देखने के लिए बाराहाट से अखिल भारतीय शाही संस्कृति सम्मेलन के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर दीपंकर बाबू भी हैं, जो इनके बड़े पुत्र के रूप में हैं, इनके साथ बैठे हुए हैं। तो आते हैं डॉक्टर दीपंकर जी के पास। ये बात बताइए डॉक्टर दीपंकर जी कि आज इस लॉकडाउन का पालन क्या सही तरीके से हो रहा है? क्या आज कैसी स्थिति है, जो कोरोना वायरस महामारी का जो रूप लिया है, आज जो बिहार से बाहर जितने जो गए थे, मजदूर हों, स्टूडेंट हों या और भी लोग हों, क्या इससे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इससे क्या लोगों में इसे सीख लेनी चाहिए, क्या मतलब इसे आगे क्या अच्छा होने वाला है, क्या खराब होने वाला है, इस पर थोड़ा सा आप फोकस दें, इस पर प्रकाश डालें। लॉकडाउन की सुरक्षा को दृष्टिकोण से पीएम प्रधानमंत्री ने जो किया वो सराहनीय है, क्योंकि लॉकडाउन से संपर्कीय आदमी आदमी के बीच नहीं हो पाते हैं, इससे वायरस नहीं होती है, सुरक्षित घर में रहें, अपना आवागमन कम करें, 5 फीट 4 फीट की रहें, और कोरोना वायरस के युद्धों से योद्धा जो लड़ने वाले हैं, हमारे विदेशों में बाहर में जो मजदूर लोग फंसे हैं, उनका आने के लिए अपने आवास बहुत लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे लोगों का कहना है कि वे अपने अपने आवास उसकी सुरक्षा करके जांच करके लोग बिहार भेजे जा रहे हैं। अभी तेलंगाना से ट्रेन खुलती है और सीधे वो रांची आती है, कहीं बीच में नहीं रुकती है। कल पटना ट्रेन एक आई, वहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से जो व्यवस्था की गई, जो वहाँ जांच किए गए, तब स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति गई दी गई। मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन बहुत अच्छे ढंग से बीत रहे हैं और बच के चलें और कोरोना से लड़ें, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं या विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना को नमन है, नमन है, नमन है। कोरोना युद्ध को शत शत नमन है, कोरोना युद्ध को शत शत नमन है। मैं इतने ही कहकर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो देख रहे थे अभी हमारे बीच डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी, जिस तरह से बैठे हुए हैं, मास्क का प्रयोग किए हुए हैं, और हमारे साथ चंदन जी भी हैं। चंदन जी, दो शब्द आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा, और बताइए क्या कहना चाहते हैं आज जो लॉकडाउन में लोगों को रहना है, जो दूरी बनानी है, तो क्या आज हम लोग विजय प्राप्त कर पा रहे हैं? सबसे पहले भारत स्काउट गाइड्स के जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम करते हैं। देखिए, आज जो लॉकडाउन का तीसरा स्टेज पहुँच चुका है, तो दो स्टेज तो सफल हो गया, तीसरा स्टेज जो है, तो हम जितने भी आग्रह करते हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, तो तीसरे स्टेज भी जो है इसको सफल बनाते। आज जनता के ही सहयोग से हमारा पीएम
जो है बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे हैं कि भारत की जनता है जो उसके जो है अनुपालन जो नियम दे रहे हैं तो उसका सबसे अच्छे तरीका से नियम का पालन कर भी रहे हैं। जो दो स्टेज आज जो है सफल हो गया, तीसरा स्टेज चल रहा है। तो हम पूरे भारत देशवासियों से आग्रह करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें और घर में ही रहे, बाहर ना जाएं, जरूरी काम के लिए बाहर जाएं। जो है इतने करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। घर से बाहर ना जाएं, लॉकडाउन में रहें, सभी लोग एक ही बात को कह रहे हैं। निश्चित है कि आज तीसरा स्टेप भी सफल होगा, यही इच्छा और आशा के साथ हम लोग आज डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी के पास आए हुए हैं। तो धन्यवाद। मैं मुकेश आज़ाद, भारत स्काउट्स एंड गाइड, जिला प्रशिक्षक, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और अखिल भारतीय शाही संस्कृति सम्मेलन सचिव।